वेलकम स्टूडेंट, जामनीकांत बीएड कॉलेज के इस ई क्लास में फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो आप लोगों को अच्छे से पता है कि हम पिछले क्लास में आप लोगों से चर्चा कर रहे हैं स्किनर की थ्योरी का, जो कि आपका बिहेवियरिस्टिक थ्योरी के अंतर्गत आता है। तो उसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में चर्चा किया कि स्किनर की थ्योरी क्या है, उसका प्रयोग क्या है और वो किस चीज़ पर बल देता है। आज जानते हैं उसी के बारे में थोड़ा सा और आगे कि स्किनर का थ्योरी जो हम लोगों को मिला है उसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है। चलिए जानते हैं आज की क्लास में। स्किनर की थ्योरी को क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो स्किनर के अनुसार क्या है कि उन्होंने जब अपना प्रयोग किया तो उस प्रयोग के आधार पे कुछ कंक्लूजन निकाला। वो कंक्लूजन क्या था, वो सारांश क्या था, समरी आप लोगों के सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहला है कि उद्दीपन पहले प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। ये आपका स्किनर का कहना है कि स्टिमुलस को पहले प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, जबकि हम लोगों ने पेवलव की थ्योरी में पढ़ा था कि स्टिमुलस यानी स्वाभाविक उद्दीपक भोजन जो है वो पहले प्रस्तुत किया जाता है और बाद में रिस्पॉन्स होता है। तो इनका ये कहना है कि हमको पहले स्टिमुलस को नहीं देना है। नेक्स्ट है इसमें कि पहले अधिगमकर्ता को अनुक्रिया करने देना चाहिए। अनुक्रिया यानी कि इनका ये कहना है कि अगर हम स्टिमुलस को पहले दे देते हैं तो वो अनुक्रिया नहीं करेगा यानी रिस्पॉन्स नहीं करेगा, तो उसको क्या करना है, क्रिया करने देना चाहिए और तब जा करके उसको स्टिमुलस देना चाहिए। थर्ड इसमें आता है कि यदि अनुक्रिया ठीक है तो उचित पुनर्बलन देना चाहिए। तो सिंपल सी है, ये तीन पॉइंट से हमको क्या पता चलता है, ये पता चलता है कि अगर किसी चीज़ को हमको बिना मांगे मिल जाता है तो हम उसके लिए मेहनत नहीं करते हैं। तो किसी भी चीज़ को पाने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, हम लोगों को मेहनत करना चाहिए, क्रिया करना चाहिए। कार्य करने के बाद अगर उसका फल मिलता है तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसी बात पर इन्होंने बल दिया है कि अधिगमकर्ता यानी जो शिक्षार्थी है, जो बालक है, उनको क्या करना चाहिए, पहले सीखने देना चाहिए, उनको कार्य करने देना चाहिए और जब वो कार्य करे तो उसके अनुसार उन्हें रिइंफोर्समेंट भी देना चाहिए ताकि वो और अच्छे से कार्य को करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कि इन्होंने जो है यहाँ पे लिखा कि यदि अनुक्रिया ठीक है तो उचित पुनर्बलन देना चाहिए। अनुक्रिया यानी जो वो रिस्पांस दे रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं वो अगर सही है तो उनको रिइंफोर्समेंट देना भी उचित है। तो रिइंफोर्समेंट का उन्होंने टाइप्स बताया है कि कितने प्रकार का रिइंफोर्समेंट होता है जो हम अपने स्टूडेंट को दे सकते हैं। सबसे पहला है इसमें पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट। देखिए मैंने यहाँ लिखा है पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट यानी कि सकारात्मक पुनर्बलन। ठीक है, दूसरा है आपका निगेटिव रिइंफोर्समेंट यानी नकारात्मक पुनर्बलन। तो दोनों में क्या अंतर है, आइए जानते हैं। जो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट होता है यह क्या करता है, यह अनुक्रिया की संभावना को बढ़ाता है। जब स्टूडेंट कोई कार्य करते हैं और जब हम उसको पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट देते हैं तो उसमें कार्य करने का जो रुचि है वो और ज़्यादा बढ़ता है और वो बेहतर ढंग से कार्य करते हैं, यानी उनकी कार्य की संभावना को, रिस्पॉन्स की संभावना को बढ़ाता है। तो हम उसको पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट कहते हैं। और निगेटिव रिइंफोर्समेंट होता है जो कि अनुक्रिया की संभावना को कम करता है। अगर किसी बच्चे को कोई गलती करता है, कोई कार्य करता है और हम उसे दंडित करते हैं तो क्या करता है, वो उसमें कमी आ जाती है उसकी कार्य में। तो इन्होंने जो है ये दो प्रकार के पॉजिटिव और नेगेटिव रिइंफोर्समेंट की बात कही और इसके अनुसार इन्होंने कहा कि किस प्रकार से अनुक्रिया किया जाना चाहिए। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में और चर्चा करेंगे आप लोगों को कि इन्होंने जो है वो रिइंफोर्समेंट को और कितने भागों में बांटा है, जो कि शिक्षा जगत को बहुत ही महत्वपूर्ण देन कह सकते हैं स्किनर का हम, कि इस पुनर्बलन जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण देन है स्किनर के द्वारा हमारे शिक्षा जगत को। तो आइए आगे जानते हैं कि स्किनर क्या कहते हैं। स्किनर ने अपने प्रयोग के आधार पर जो है क्रिया पर अधिक जोर देता है। इनके अनुसार जो प्रयोग इन्होंने किया है वो क्रिया पर यानी कार्य पर जो हम करते हैं उस पर ज़्यादा बल दिया गया है। स्किनर ने एस आर को आर एस में बदल दिया है। सिंपल से पिछले क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को एस आर क्या है, ये स्टिमुलस है फिर रिस्पॉन्स है, यानी स्टिमुलस पहले है रिस्पॉन्स बाद में है। लेकिन स्किनर के आधार द्वारा जो है दिया गया थ्योरी उसमें रिस्पॉन्स पहले है और स्टिमुलस बाद में है, यानी क्रिया पहले है और पुनर्बलन बाद में है। ये स्टिमुलस क्या है, ये स्वाभाविक उद्दीपन है और उसे ही रिइंफोर्समेंट का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है स्किनर के अनुसार क्रिया करते रहना चाहिए। जब तक हम क्रिया करते रहेंगे तब तक हम कुछ नया चीज़ को सीखते रहेंगे, इसीलिए इन्होंने क्रिया करने पर ज़्यादा बल दिया है। साथ ही
उन्होंने कहा कि क्रिया के तुरंत बाद पुनर्वलन देना चाहिए और इससे क्रिया करने में गति मिलता है और तीव्रता आता है। तो सिंपल सा है कि इन्होंने क्या कहा कि क्रिया करते रहना चाहिए, छात्र को जो है वो हमेशा क्रियात्मक बना के रखना चाहिए, उनको कार्य करते रहने देना चाहिए, क्योंकि कार्य करने से क्या होता है कि उनमें गति बनी रहती है, और जब वो अच्छे कार्य करते हैं तो उनको रिइंफोर्समेंट भी मिलना चाहिए, क्योंकि रिइंफोर्समेंट जो होता है वो उनके कार्य को करने के तरीके में और तीव्रता लाता है, यानी वो अच्छे ढंग से और कार्य करते हैं और मन लगा के काम करते हैं, रुचिकर काम करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, लास्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे कि इनका शैक्षिक जगत में क्या उपयोगिता है और रिइंफोर्समेंट का क्या प्रयोग है, जो हम अपने क्लासरूम में भी उसको उपयोग करके और अपने शिक्षण व्यवस्था को बेहतर बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।